गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, टाइपोग्राफी स्टूडेंट्स, येस्टरडे आई हैव गिवन यू दीज टॉपिक्स फॉर रीडिंग सेल्फ स्टडी एंड दीज वर द पॉइंट्स रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन लाइक फेशियल एक्सप्रेशंस, पोस्चर, गेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज, टच, स्पेस, आई कॉन्टेक्ट, पैरा लैंग्वेज. दीज वर द types of non-verbal communication, and today we will continue our topic, and our new topic is visual communication. So what is visual communication? Visual communication is the other important method of communication. Means किसी चीज को देख करके जब हम कुछ उसके बारे में सोचते हैं या कुछ कोई इन्फॉर्मेशन, कोई आइडिया, कोई व्यू कम्युनिकेट होता है हमारे तक, या फिर हम किसी को कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो हम उसके रिगार्डिंग क्या करते हैं, कोई पिक, कुछ इस तरह का कोई साइन लैंग्वेज, कुछ साइन लैंग्वेज तो नहीं, कोई सिंबल वगैरह इस तरह का हम कहीं बना देते हैं, तो वो हमारा विजुअल कम्युनिकेशन में आता है. विजुअल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स sending and understanding messages only through images or pictures, है ना. तो ये visual communication में देखो, कई बार आपने देखा भी होगा कुछ इस तरह के symbols, देखिए ये इस तरह के symbols आपने देखे होंगे. जैसे आप traffic के ये symbol देखते हैं, traffic light होती है red, green, yellow, है ना. तो ये सिंबल्स आपको पता है कि ट्रैफिक लाइट में रेड का मतलब क्या है, येलो का मतलब क्या है और ग्रीन का मतलब क्या है. इसी तरह से ये ट्रैफिक सिंबल, जो ये वाला सिंबल नजर आ रहा है, अगर आपको ये सिंबल नजर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि दिस सिंबल कम्युनिकेट दैट नॉट टू ब्लो हॉर्न, मतलब कि हॉर्न ना बजाए, ठीक है. और देखिए कई आपको इस तरह का सिंबल कहाँ पे देखने को मिलता है, आपको पता है ये टॉयलेट्स के बाहर इस तरह के सिंबल्स होते हैं. इस तरह से देखिए एक और रेलवे क्रॉसिंग बनी होती है जहां पे, वहां आपको इस तरह का सिंबल मिलेगा. तो मतलब ये जो सिंबल्स हैं ये विजुअल कम्युनिकेशन है. ये जो सिंबल्स हमारे पिक्चर्स या इमेजेस के थ्रू जब कम्युनिकेट करते हैं तो उसके लिए कुछ स्पेशल सिंबल भी होते हैं, कुछ पिक्चर यूज की जा सकती हैं, ठीक है, इमेजेस यूज की जा सकती हैं. तो इनसे क्या है, ये कम्युनिकेट कर रहे हैं. कोई हमें बताएगा नहीं खड़े होकर के कि यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग है, ठीक है. ये सिंबल देख करके हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ रेलवे क्रॉसिंग है. ये सिंबल देखिए, अगर हम इस तरह का सिंबल अगर कहीं देखते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये जो सरफेस यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या क्या है, यहाँ का सरफेस जो है स्लिपरी सरफेस है, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान से चले. इसी तरह से ये वाला अगर आपको इस तरह का सिंबल कहीं देखने को मिलता है तो इसका मतलब क्या है कि फ्लेमेबल सब्सटेंसेज यहाँ पे हैं, ठीक है, या फिर इस तरह के सब्सटेंसेस को आप यूज ना करें. तो इस तरह के जो सिंबल्स हैं, ऐसे इमेजेस हैं या फिर पिक्चर्स को जब आप यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या है, कहीं इनको इस तरह से आप देखते हो या इनको लगा दिया जाता है, किस लिए इनको यूज किया जाता है, कि विजुअली कम्युनिकेट किया जा सके. हर चीज को बता करके तो नहीं हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे, है ना. बहुत सारे ऐसे जगह होती हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर पर्सन खड़ा होकर के सारी मतलब हर बार हर टाइम गाइड नहीं करेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, विजुअल कम्युनिकेशन को यूज किया जाएगा. अब देखिए ये छोटा सा सिंबल, ये कितना पॉपुलर सा सिंबल है, आप देखते हो ना इसका वीडियो और ऑडियो फाइल के साथ देखते हो, जब उसको पॉज किया जाता है तो ये वाला सिंबल आपको नजर आता है, ठीक है. इसी तरह से आप देखते हैं कि ये जो सिंबल क्या है, इसका मतलब है कि नो स्मोकिंग जोन, मतलब कि यहाँ पे आप स्मोकिंग ना करें, ठीक. तो इस तरह के सिंबल्स हैं, ये जो सिंबल्स इस तरह से इमेजेस वगैरह यूज करते हैं ये हम किस लिए यूज करते हैं, विजुअल कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है. अब देखिए विजुअल कम्युनिकेशन के कुछ एडवांटेजेस क्या है. द मेन एडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज दैट वी डोंट नीड टू नो एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज फॉर अंडरस्टैंडिंग. मतलब कि अगर आपको ये कहीं ऐसे स्टेट में चले जाते हैं जहाँ की लैंग्वेज आपको नहीं पता है, लेकिन फिर भी इन सिंबल्स को देख करके आपको ये पता चल सकता है कि इनका मतलब क्या है, अगर बेसिकली आपको सिंबल्स की नॉलेज है इस तरह की, ठीक है. तो यहाँ विजुअल कम्युनिकेशन जो है बहुत अच्छे से वर्क कर सकता है, ठीक है. तो ये जो टॉपिक है हमारा विजुअल कम्युनिकेशन से रिलेटेड था. अब ये टॉपिक हमारा यहीं ओवर होता है और इस टॉपिक से रिलेटेड हमें कुछ प्रैक्टिकल करना है, और ये प्रैक्टिकल है
ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे गिवन है, ये क्वेश्चन आपको कैसे सॉर्ट आउट करना है, सबसे पहले आपको ये यहाँ एक लिंक गिवन है, ये देखिए HTTP WW, ये देखिए passiveac.in employability skill.htm। तो ये मॉड्यूल आपको, इस मॉड्यूल से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगी इस लिंक पे, और इस लिंक को आपने श्योरली विजिट करना है, ठीक है। और विजिट करने के बाद आप पूरा वीडियो को देखेंगे, और 5-6 मिनट की वीडियो मिलेगी आपको ये, और देखने के बाद फिर इसमें जो क्वेश्चन किया है उसको आप आंसर करेंगे, एंड साथ में आपको ये activities 2 and activity 3, ये दोनों एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, ऑल एक्टिविटीज फॉर ऑल स्टूडेंट्स ये आपको परफॉर्म करनी है, एंड आफ्टर दैट यू विल हैव टू आंसर दीज क्वेश्चन, राइट डाउन दीज क्वेश्चन इन योर फेयर नोटबुक, ठीक है। फेयर नोटबुक में आपने ये सारा वर्क करना है, जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी करेंगे, एंड ड्रॉ एनी 2 कॉमन साइन यूज फॉर विजुअल कॉम्युनिकेशन, ये भी आपका प्रैक्टिकल वर्क है, इसको आप चार्ट पे ये बनाएंगे, 2 कोई भी कम्युनिकेशन सिंबल है उसको चार्ट ड्रॉ करेंगे इसके लिए, ये आपकी आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी है। तो अब मैं कहीं आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी का होमवर्क अलग से असाइन नहीं करूंगी, ये आपको होमवर्क इसी में दिया जा रहा है, तो आप इसको अच्छे से करेंगे, ओके। और ये जो कुछ यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, इनको आप अच्छे से नोटबुक में करेंगे और लर्न करेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक सिर्फ इतना ही है, बाकी इसको कंप्लीट कीजिए अच्छे से और लर्न कीजिए, एंड फिर है प्रोनंसिएशन बेसिस, ये हम मंडे करेंगे, ओके बाय।